पाकिस्तानी सिफारत खाने की तारीखी और कीमती इमारत फरोख कर दी गई। इमारत नई एम्बेसी बनने के बाद 2003 से खाली पड़ी थी। इमारत मख्तूश हालत में थी, जिसका खसूसी स्टेटस भी वापस ले लिया गया था। हुकूमत को टैक्स की मद में लाखों डॉलर्स अदा करने पड़ रहे थे। इमारत की फरोख के लिए बोली लगाई गई और इमारत 7.1 मिलियन डॉलर में फरोख हुई। इससे पहले इस इमारत की बोली 6.8 मिलियन डॉलर लगाई गई थी। इमारत को डेलिस में मुकीम पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेसमैन हफीज खान ने खरीदा है। पाकिस्तानी सिफारतखाने की तारीखी और कीमती इमारत फरोख कर दी गई। इमारत नई एम्बेसी बनने के बाद 2003 से खाली पड़ी थी। इमारत मख्तूश हालत में थी, जिसका खसूसी स्टेटस भी वापस ले लिया गया था। हुकूमत को टैक्स की मद में लाखों डॉलर्स अदा करने पड़ रहे थे। इमारत की फरोख के लिए बोली लगाई गई और इमारत 7.1 मिलियन डॉलर में फरोख हुई। इससे पहले इस इमारत की बोली 6.8 मिलियन डॉलर लगाई गई थी। इमारत को डेलिस में मुकीम पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेसमैन हफीज खान ने खरीदा है।